हेलो दोस्तों वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफ बी एच में तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने कैनेडीज थेरी के बारे में डिस्कस किया था कैनेडी थेरी जो है कैनाल डिज़ाइन के लिए वो हमने डिस्कस किया हुआ है और आज की वीडियो में हम लेसीज थेरी डिस्कस करेंगे कैनाल डिज़ाइन के लिए जो दूसरी थेरी है लेसिस थेरी उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जो डिज़ाइन स्टेप्स होते हैं लेसिस थेरी के हिसाब से वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में तो यहां पर आप देख सकते हैं लेसी जो है इन 1939 कैरीड आउट एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ़ द स्टेबल चैनल इन इंडिया तो लेसी ने जो है स्टेबल चैनल जो है या फिर कैनाल्स उनको एनालाइज किया इन्वेस्टिगेट किया उसके बाद उसने कुछ जनरल एप्लीकेबल इक्वेशन दी जो हर एक चैनल के लिए एप्लीकेबल थी तो लेसी लेसी ने जो है एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन की जो है स्टेबल चैनल्स के लिए इंडिया में तो उसके बाद उसने कुछ कुछ इक्वेशंस दी जो कि हर एक चीज के लिए एप्लीकेबल है तो लेसी ने पहली बात लेसी ने कहा कि कोई भी चैनल जो है वो परफेक्टली रिजाइम में नहीं होती है कोई भी चैनल ऐसे नहीं हो सकती जो कि प्रॉपर रिजाइम में होती है लेसी ने कहा अकॉर्डिंग टू लेसी इवन चैनल शोइंग नो सिल्टिंग एंड नो स्कोरिंग मे नॉट बी इन रिजाइम तो लेसी ने बोला कि जो भी चैनल होती है अगर उसमें सिल्टिंग और स्कवरिंग भी नहीं हो रही है फिर भी वो रिजाइम में नहीं होती है अकॉर्डिंग टू लेसी परफेक्ट रिजाइम कंडीशन विल नॉट एग्जिस्ट एंड देयर आर थ्री रिजाइम कंडीशन तो लेसी ने बोला कि परफेक्ट रिजाइम कंडीशन कहीं पर भी नहीं हो सकती फिर उसने बोला कि हमारे पास रिजाइम की थ्री तीन कंडीशन हो सकती है एक होता है ट्रू रिजाइम दूसरा होता है इनिशियल रिजिम फाइनल रिजिम आप रिजाइम बोलो रिजिम बोलो जो भी आप बोलना चाहो तो यहां पर आप देख सकते हैं तो ट्रू रिजिम क्या किसे कहते हैं या रिजाइम क्या किसे कहते हैं नो सिल्टिंग नो स्किंग मतलब कि इस टाइप ऑफ रिजिम में सिल्टिंग भी नहीं होगी स्कवरिंग भी नहीं होगी हमारे पास कैनाल में जो डिस्चार्ज होगा वो कॉन्स्टेंट होगा कॉन्स्टेंट सिल्ट चार्ज मतलब कि कितना सिल्ट है हमारे पास वाटर में वो हमारे पास कॉन्स्टेंट रहेगा और सिल्ट ग्रेड भी हमारे पास कॉन्स्टेंट रहेगा मतलब कि कितने साइज का सिल्ट है वो भी हमारे पास कॉन्स्टेंट रहेगा उसे हम ट्रू रिजाइम कहेंगे या फिर ट्रू रिजिम कहेंगे ये आपको याद रखना है नो सिल्टिंग नो सिकवरिंग कॉन्स्टेंट डिस्चार्ज कॉन्स्टेंट सिल्ट चार्ज मतलब कि सिल्ट कितना है वाटर में वो कॉन्स्टेंट रहेगा कॉन्स्टेंट सिल्ट ग्रेड सिल्ट का ग्रेड जो है वो भी कॉन्स्टेंट रहेगा इसके बाद है ट्रू रिजाइम इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल तो ट्रू रिजाइम जो है प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी कैनाल जो है वो ट्रू रिजाइम में होगी नेक्स्ट आ जाते हैं इनिशियल रिजाइम क्या होती है इनिशियल रिजाइम होती है इसमें क्या क्या कॉन्स्टेंट नहीं होता है बेड स्लोप कॉन्स्टेंट नहीं होता है इसका मतलब क्या हुआ अगर हमारे पास कैनाल है ये हमारे पास एक कैनाल है इसका जो है बेड स्लोप बेड स्लोप ये होता है कि नीचे जो है फॉर एग्जाम्पल ये कैनाल का बेड है तो इसमें कितना हमने स्लोप दिया है बेड स्लोप जो है यह कॉन्स्टेंट नहीं रहता यह चेंज होता रहता है और डेप्थ भी चेंज होती रहती है क्योंकि हमारे पास यहां पर सिल्टिंग और स्कवरिंग होती रहती है तो इसकी वजह से यह जो डेप्थ ऑफ कैनाल जो है अगर हम ये डेप्थ मानेंगे कैनाल की यह भी चेंज होती है और यह जो बेड स्लोप एस से हम जिसे डिनोट करते हैं तो ये एस भी बेड स्लोप भी चेंज होता रहता है

इनिशियल रिजाइम के केस में ये आपको याद रखना है क्योंकि जो भी सिल्टिंग सुकवरिंग होती है वो डेप्थ में होती है मतलब कि जो बेड स्लोप हमारे पास होता है उसी में जो है सिल्टिंग और सुकवरिंग वगैरह होती है लेकिन ये जो

तो इसके बाद जो है जब ये सब कुछ चेंज होती है उसके बाद जो है तो हमारे पास कैनाल है वो स्टेबलाइज होती होती है एंड इज कॉल्ड एज फाइनल रिजाइम उसी को हम फाइनल रिजाइम कहते हैं जब वो स्टेबलाइज होती है वो चैनल तो उसके बाद जो है चैनल चैनल जो है जब इसमें विड्थ भी चेंज हो जाएगी ये विड्थ भी चेंज हो जाएगी यहाँ से और ये हमारे पास डेप्थ भी चेंज हो जाएगी मतलब कि हमारे पास कैनाल कुछ ऐसे है तो हमारे पास विड्थ भी चेंज हो रही है और डेप्थ भी चेंज हो रही है तो हमारे पास कैनाल कुछ ऐसे बन जाएगी तो ये जो कैनाल बन जाती है इस शेप की इसे हम कहते हैं सिमी इलिप्टल कैनाल ये आपको याद रखना है सिमी इलिप्टिकल कैनाल होती है ये सिमी इलिप्टिकल कैनाल तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो लेसीज ने जो कहा था कि उसने किस टाइप की कैनाल कही थी उसने कहा था कि सिमी इलिप्टिकल कैनाल बन जाती है तो यहाँ पर आपको याद रखना है कोरस सिल्ट अगर हमारे पास जो कैनाल है उसमें कोरस सिल्ट है तो उसके लिए सिमी एलिप्टिकल बनती है शेप डेप्थ भी डिक्रीज होती है और विड इंक्रीज होती है मतलब कि ये जो है डेप्थ ये डिक्रीज होती है मतलब कि यहाँ पर जो है कुछ डिपॉजिट होता है और विड जो है विड अगर यहां पर थी तो वृथ्त हमारे पास साइड में इंक्रीज हो जाती है तो उसे सिमी एलिप्टिकल कहते हैं अगर हमारे पास फाइन सिल्ट है तो फाइन सिल्ट के केस में डेप्थ भी इंक्रीज होती है और विड्थ भी इंक्रीज होती है ये आपको याद रखना है तो जो हमारी कैनाल है उसकी साइज जो है उसकी शेप जो है वो सेमी सर्कल बन जाती है सिल्ट ग्रेड और सिल्ट चार्ज क्या होता है सिल्ट ग्रेड मैंने आपको पहले भी बताया साइज ऑफ सिल्ट क्या होता है उसे हम सिल्ट ग्रेड कहते हैं और सिल्ट चार्ज जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ सिल्ट इन वाटर मतलब कि वाटर में हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सिल्ट क्या होता है उसे हम सिल्ट चार्ज कहते हैं तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास अब जिसका आप इंतजार कर रहे हैं डिजाइन स्टेप्स जो है जो हमारे पास लेसी थेरी के डिजाइन स्टेप्स है वो क्या है तो पहले ही आपको पहले स्टेप में विलास्टी निकालनी होती है विलास्टी आपको निकालनी होती है वी इज इक्वल टू क्यू एफ स्कॉन वन फोर्टी रेज टू पावर वन अपॉन सिक्स तो ये होता है वेलोसिटी वेलोसिटी का का ये होता है फार्मूला लेकिन D, D होता है, तो यहां पर हमारे पास फैक्टर आ जाएगा सिल्ट फैक्टर को हम यहां पर पुट करेंगे और डिस्चार्ज हमारे पास दिया होगा कैनाल का तो यहां से हमारे पास वेलोसिटी निकल के आ जाएगी डिस्चार्ज क्यू मैक में दिया होगा वेलोसिटी आपको मीटर पर सेकंड में आ जाएगी नेक्स्ट आ जाते हैं हम हाइड्रोलिक मीन डेप्थ फार्मूला ही दिया है लेसी ने तो कहा है कि हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो होती है वो फाइव बाई टू वी एफ के बराबर होती है तो एफ आप यहां से निकालेंगे सिल्ट फैक्टर और आपके पास V जो है वेलोसिटी यहां से निकल के आ जाएगी स्टेप फर्स्ट में आपने निकाली है तो यहां पर आपके पास R जो है हाइड्रोलिक मीन नंबर टू में कैलकुलेट करेंगे इसके बाद आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ चैनल निकालेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके बराबर होगा डिस्चार्ज अपॉन वेलोसिटी डिस्चार्ज आपको दिया होगा और वेलोसिटी आपने यहां पर निकाली हुई है तो आप एरिया ऑफ कैनाल निकाल सकते हैं इसके बाद आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट वेटेड पेरीमीटर कैन भी कैलकुलेटेड तो वेटेड पैरीमीटर भी आप निकाल सकते हैं पेरीमीटर जो है वो होता है फोर पॉइंट सेवन फाइव अंडर रूट क्यू तो फोर पॉइंट सेवन फाइव अंडर रूट क्यू जो होता है वो हमारे पास वेटेड पेरीमीटर आ जाता है नेक्स्ट उसके बाद हमें बेड स्लोप कैलकुलेट करना होता है तो बेड स्लोप के लिए फार्मूला जो है एस इज इक्वल टू एफ ब्रेस्ड पावर फाइव बाई थ्री 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 फोर जीरो क्यू रेस्ट पावर वन अपॉन सिक्स जो है ये बेड स्लोप कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है तो ये जो सारी यहाँ पर जो भी इक्वेशन दी है ये इक्वेश सारी इक्वेशन एक एक फार्मूला बन जाता है आपके लिए तो ये चीजें आपको याद रखनी है और डिजाइन स्टेप्स जो है जो थे थेरेटिकल पड़ रहा है जिसको डिजाइन करना है कैनाल को तो उसको डिजाइन स्टेप्स भी याद रखने हैं लेकिन आपको जो है जिसको ऑब्जेक्टिव टाइप का कोई एग्जाम देना है तो उसके लिए ये फार्मूले जो है ये आपको याद रखने हैं ताकि आपको जो है ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए तो आई होप आपको आज की वीडियो जो है पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर एफ को थैंक यू दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो